जम्मू कश्मीर में लोकसभा के चुनावों के लिए प्रत्याशियों ने अपने नामांकन भरने शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता और एमओएस पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपना नामांकन कठुआ से भरा। उसके बाद कांग्रेस से खबर आई कि पूर्व भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और डोगरा स्वाभिमान संगठन जिन्होंने बाद में बनाया उसके संस्थापक चौधरी लाल सिंह को कांग्रेस ने उधमपुर डोडा लोकसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी घोषित किया। उनके प्रत्याशी घोषित करने के फौरन बाद कुछ बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं, उन सब पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात नामांकन के ऊपर। चौधरी साहब, जब आप यहाँ से दिल्ली गए तो पहली खबर ये आई थी कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता आपके संपर्क में थे और बात चल रही थी कि आप शायद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे या जम्मू से या डोडा उधमपुर से, ये अफवाह थी या इसमें कोई सदाकत थी? अगर ऐसा होता तो फिर इससे बेटर का बंदा कहाँ से, क्यों इतनी तकलीफें आज उठाने पड़ रही, ऐसी बात। तो उसके बाद कांग्रेस में आप शामिल हुए, उसी पार्टी ने जिस पार्टी ने आपको दो बार मेंबर पार्लियामेंट बनाया, आपको मैंडेट दिया। क्या आपको नहीं लगता कि मैंडेट देने में आपको उन्होंने देर कर दी, क्योंकि समय आपके पास बहुत थोड़ा सा है और कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत बड़ी है? उसका आपसे इसलिए बात कर रहे हैं ना, समय कम है, लेकिन ये जो आपके पास मीडिया है ये क्या करेगा, मेरी सच्चाई लाएगा तो ये लाखों में ऐसे ही चली जाएगी। तो इस एक तरीका है, हर हमने बे अडॉप्ट करना है जिससे हम लोगों से मिल सको। आप सोच सकते हो कि मुझे रात के 12 बजे तक एक सेकंड में कॉल आ रही है, रात तक कितनी कॉल आ रही है, 3-4 हज़ार कॉल पर डे आ रही है। तो लोगों का कितना प्यार है, कितना स्नेह है, कितना उनके मन में एक अच्छी सोच उभर के मेरे मुतलका मेरे लिए आई है, मैं थैंकफुल हूँ। मेरे लिए तो बड़ी कमिटमेंट हो गई है, मेरे लिए और ज़्यादा ये बात हो गई है कि मैं लोगों के लिए, जो लोग इतना मेरे से प्रेम करते हैं, जो इतनी हमदर्दी मेरे से कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मैं इनके लिए मैं तो कुछ भी करने को तैयार हो गया हूँ। मेरे मन में एक बड़ी चेंजेज आई है और मैं वैसे ही लोगों के काम आता हूँ, वैसे ही मैं आपकी पहाड़ियाँ चढ़ी हैं, वैसे ही इलाका सारा देखा है, वो किसी ने नहीं देखा। आपके वहाँ के लीडर भी मैं लेके गया हूँ, सबको इलेक्शन लड़ने वालों को लेके गया, लड़ाने वालों को लेके गया हूँ, लेकिन वो भी कहते थे ये हमने पहली बार देखा लगा। चौसा, मुझे ये बताइएगा कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपना नामांकन 21 तारीख को भरा, आप कल जाके भरने वाले हैं 6 दिन बाद 27 तारीख को, वो उस पार्टी से हैं जिस पार्टी के बारे में ये कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और कार्यकर्ता हर जगह, आप उस पार्टी से हैं कि आपको कार्यकर्ता को दोबारा खड़ा करना है, दोबारा उसके अंदर ऊर्जा भरनी है और उसको कहना है कि भाई हम जीत सकते हैं, इसकी संभावना है, क्योंकि सारे इलेक्शन सर्वे दिखाते हैं कि कांग्रेस तो बस 60-70 के इर्द-गिर्द सिमटने वाली है। तो क्या आपको नहीं लगता कि पार्टी को इसको लेकर और गंभीर होना चाहिए था और आपका नामांकन जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह? देखो, मेरी बात सुनो, ये अच्छा हो गया मेरे पास पैसे भी नहीं है तो कम समय में निपट जाएगा ये बंदा, लंबा होता तो इसने पैसे लगाने थे, बहुत टाइम मिलना था, अब कितने खर्च पाएंगे, तो मेरे पास है नहीं, तो मैं मुफ्त में इलेक्शन जीत जाऊँ। मगर आपका खुद का नारा है कि मैं लोगों के पास पहुँचना चाहता हूँ, पहुँच आप खुद कहते हैं कि मैंने लोगों को पता है ये जीतेगा तब भी हमारे पास आएगा, इसका पता है कि जीते के भी नहीं आएगा, हार के भी नहीं आएगा, तो बेटर निपटा ही दो इस बार, बात ये बड़ी क्लियर है कि ना जीतने में पहले आया, आप ही मान, आपको कसम खुदा की लगे, रमजान का महीना पाक महीना, इसे बड़ा महीना कोई नहीं, सच बताओ ये आदमी आपके डोडा के आदमी हो, आपके ऊपर पहाड़ों में किसी को मिला, ऐसे से क्यों कर रहे? नहीं, मैं तो पत्रकार हूँ, मेरा काम सवाल पूछना है, आप जो मुझसे सवाल पूछेंगे उसका जवाब डोडा की जनता देगी, हम जनता से निकल के पत्रकार, मेरा लिखना कि ये आदमी, जो आदमी जिसके खिलाफ चौधरी लाल सिंह इलेक्शन लड़ रहा है, वो हमें कितना सताया आप लोगों को ये मुझे बताएं, और कोई पहाड़ी तक नहीं देखी, कोई पहाड़ी नहीं देखा, कोई भद्रभाई नहीं देखा, कोई किश्तवाड़ी नहीं देखा, कोई पोगली नहीं देखा, इसको पोगल परिस्थान में, सेनापति में है, सिराज में, इनमें कौन जाएगा टॉप में, नील टॉप में, नील में, मऊ में, मंगत में, फिर किया आपने सदल गोद में लिया था गांव, और रो रहे हैं वहाँ उधमपुर में बैठे हुए, क्या लोग मुझे बताइए कि ये सारी चीज़ें कौन करते हैं, लोग बेवकूफ़ नहीं है, आप एक बार बना लोगे, दो बार बना, तीसरी बार लोग नहीं बनते, कोई भी नहीं बनता, ये ट्रस्ट ब्रीच हुआ। अभी आप रामबन गए, स्थिति क्या है? क्या बात है यार
कांग्रेस वालों को मेरे नेताओं को ये भी खबर नहीं थी, वो कार बैठे हाल एक, उनको पता नहीं इस हाल में क्या होना है, हाल ही फट गया था। इतनी दुनिया थी जो जम्मू में हमने जलसा किया उससे भी ज़्यादा बड़ी थी, राइट। और सिर्फ मैंने वो वर्कर मीटिंग बुलाई थी, मैं एक बार शुरुआत कराता हूँ, इसी तरीके से उधमपुर में, तो कठुआ आपने देखा ही है। तो आप हिसाब करेंगे कि लोग बहुत ज़्यादा रुष्ट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो चुके हैं, अब वो नहीं ज़्यादा सह सकते, अब उनकी कमर टूट चुकी है, इससे ज़्यादा अब वो लेटना नहीं चाहते कि हम अब बेड सूर के इससे मरें जो ये बीमारी हमें लगा रहा है। अब लोग इस पे नहीं चलेंगे, आप हैरान होंगे, जिससे भी मिले दो उंगली ऐसे और बात ऐसे करनी, उसके साथ आंखें मिला के बात ही नहीं हुई। आपके मीडिया से किसी अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कोई मीडिया वालों को नहीं अब तक हुआ, क्या बात है भाई। नहीं, वे सवाल इतने हैं कि जवाब नहीं दे सकते। आपकी पूरी कैंपेन ऐसा लगता है केंद्र से सेंट्रलाइज एक व्यक्ति कह रहा हूं, किसके ऊपर आप एक व्यक्ति को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आपने व्यक्ति को लेकर चुनाव लड़ना है या आपका अपना मंसूबा पूरे इलाके को लेकर? हमने ओ रिप्रेजेंटेटिव द्वारा नहीं जाने देना, स्वाय सेंट्रलाइज का नहीं है, स्वाय है लोगों की जो आस्थाएं ब्रीच हुई है, जो ट्रस्ट ब्रीच हुआ है, अब वो एक हो या वो दस होते, इनको भगाना ही जरूरी है। मगर बात यह है कि जिस तरीके से बीजेपी ने कैंपेन शुरू किया, उनका तो साफ तौर पर ये कहना है जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, वो कहते हैं कि ये चुनाव जो है जो भी कांग्रेस का प्रत्याशी हो, किसी भी विपक्षी दल का प्रत्याशी, उसका मुकाबला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। मेरी बात सुनो, नहीं वो कह रहे हैं उनका मुकाबला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है, तो आपका मुकाबला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है, उसको ऐसे देखते हैं? मेरे साथ कोई मुकाबला नहीं कर सकता, छोड़ो ऐसे फिजूल की बातें। राम भगवान की आप बात करते हो, भगवान राम इतने सेकुलर और सोशल थे, अभी ये कभी हो नहीं सकते। भगवान राम ने पिल नहीं के जूठे बेर खाए शबरी के, ये तो अपने वोटर से नहीं मिलते, आप पहले राम भगवान को समझो तो सही। लेकिन आपका मुकाबला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उनकी पूरी टीम के साथ, आपको उन्होंने बताया, आपको वो तो कह रही, बीजेपी कह रही, वो कह रही है कि मुकाबला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो कहते इधर वोट जाएगा उधर निकलेगा, हमने कहा इधर जाएगा इधर ही निकलेगा, उधर नहीं जाएगा इस बार। अच्छा, आप इस बार इस पर पूरे संतुष्ट हैं? बिल्कुल। दूसरी तरफ से आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि डीपीएपी के नेता गुलाम अहमद सरूरी जो हैं वो डोडा उधमपुर से प्रत्याशी होंगे डीपीएपी के, और दूसरी तरफ गुलाम नहीं है वोट तो फॉर्म भी भर दिए गुलाम नबी आजाद, दूसरी तरफ से उनको लेकर अटकलें हैं कि वो रजौरी पुंछ और अनंतनाग लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी की मदद से चुनाव लड़ेंगे। ये हुआ है, हो सकता हो ना हो, बीजेपी अंत मौके पे क्या करे कोई पता नहीं, तो ये अच्छी बात है अगर वहां से लड़ेंगे तो। इसको कैसे देखते हैं? वहां से लड़ेंगे ना, लोगों में जो बार बार लोग कह रहे हैं बी टीम, वो सीधी हो गया, काम ही खत्म हो गया। मैं कहता हूँ वो इलेक्शन बड़ी लेट आ गया थोड़ा, पर सरूरी कहते हैं वो आपको हराएंगे। सरूरी को पता है मुझे कैसे हराना, उन्होंने क्या बात है, सरूरी साहब को कहो यार आपको कहा, उन्होंने मीडिया में बात चल रही है, बिल्कुल उनका बाजबता बयान है, उनका टारगेट मैं हूँ। आपको सुरेशा अगर आपने ये कहा तो आपको बड़ा माड़ा कह दिया। आपको याद है जब मैं और आप रायगढ़ गए थे, 14 किलोमीटर का सफर था, भागते भागते गए थे, आप वहाँ नहीं पहुँच पाए थे, याद है आपको? आप हालांकि इंद्रवर कॉन्स्टिट्यूंसी के सबसे टफ कॉन्स्टिट्यूंसी के बंदे थे, मैं सोचता था कि ये मेरे से तेज चलता होगा, सख्त होगा, याद है आपको? मैं जलसा ख़त्म कर दिया था तो आप पहुँचे थे, तो फिर डंडा लेके ऐसे ऐसे बड़ा इतना लंबा डंडा लिया होता ऐसे चले, मेरे पास डंडा था क्या? और उसे राजगढ़ में मैंने सड़क बना दी है, काश्तीगढ़ तक बना दी है, इसलिए मुझे कौन हराएगा? आपका इन्होंने नुकसान किया है, हाँ बीजेपी से आपका अलायंस हो रहा है, तो आपने गलती की, जितेंद्र सिंह की जगह खड़ा होना चाहिए था। आप कहते हैं उनको जितेंद्र सिंह की जगह, इंडिया अलायंस की क्या पोजीशन है? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और अन्य दलों ने आपको ये आश्वस्त किया है कि हमारे जितने भी वोटर हैं, कार्यकर्ता हैं, वो आपके लिए कैंपेन भी करेंगे, वोट भी डलवाएंगे? वो कर रहे हैं, वेरी क्लियर, वो कर रहे हैं, मैंने देखा। विश्वास है आपको? मैं विश्वास नहीं करूँगा तो ये सब बड़ा बड़ी पाप होगा। चल साहब, आप कांग्रेस में से वापस गए हैं, वो नेता जो आप जब कांग्रेस में थे उस समय केवल एक एमएलए, और उससे पहले जिस समय आप मेंबर पार्लियामेंट थे वो एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में चेयरमैन हुआ करते थे, कौन वो? आज आपके अध्यक्ष हैं,
उनकी अध्यक्षता में आपने चुनाव लड़ना है, ये कैसे पैराडॉक्स है? आप कितनी अजीब बातें करते हैं। ये बच्चा बच्चा बाप से बड़ा नहीं बन सकता क्या? नहीं बनने देना चाहिए है? लेकिन कई कांग्रेस के नेताओं का इस पर एतराज था कि जी विकास सूद तो बहुत जूनियर है, हम इसके अंदर कैसे काम करेंगे। माँ बाप ही एक ऐसी सोच है कि वो हमेशा सोचते कि मेरा बच्चा मेरे से बड़ा बने। पार्टी में रहना, संगठन में रहना, 10 साल का बंदा हेड है वो हेड है, 100 साल का हेड है हेड है। हमें अपना काम करना, उन्होंने अपना काम करना। लेकिन अगर कोई आदमी अध्यक्ष है तो एक बुरी बात नहीं है, जवान है, स्मार्ट है, क्या तकलीफ है किसी को, क्या परेशानी है? और दो बार MLA रहे हैं तो मजा आ गया। अरे चौसा, आपकी दोस्ती माना जाता था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बड़ी घनिष्ठ थी, मित्रता अभी भी है या खत्म? नहीं नहीं, दोस्ती नहीं, वो हम सज्जन हैं हम लोग, इसमें कोई शक नहीं है। रविंद्र रैना भी आपसे बड़ा प्यार करता है, कहते हैं कि जीते कहीं से भी लेकिन है हमारे, वो भी कहते हैं। बड़ी अच्छी बात है, वो कहते हैं जीते कहीं से भी, इसलिए उनको कह रहा हूं बीजेपी को कहो वोट डाल दो, वोट डाल दो, डाल दो। तो चुनाव के बाद? चुनाव के बाद कांग्रेस जिंदाबाद। तो अगर आप सुकड़ के 60-70 हो गए फिर? मुझे अभी ना सुकड़ा पाएगा ना सुकड़ूंगा। नहीं, आपकी पार्टी 5'4" हो गया हूँ, इससे ज्यादा सुकड़ नहीं सकता। नहीं, आपने और वही शरीर वही भजन है, वही रहेगा, कोई चिंता, मैं सुकड़ने वाला नहीं और ना मुझे कोई सुकड़ाने वाला है। ठीक, मैं लड़ने वाला हूँ, डट के लड़ूंगा, मदद करूंगा, डट के करूंगा। पार्टी में आया हूँ, पार्टी को जिता के छोड़ूंगा और पार्टी जिस तरीके से मेरे मुझे इज्जत दी है, मैं मैडम सोनिया गांधी जी का और राहुल जी का मेरे से उनसे पहले भी हमने देखा था, उस यात्रा में थोड़ी सी कईयों ने गलती करा दी थी और उन्होंने आके यहाँ आके उस चीज़ को माना था ये गलत है। और मैं प्रियंका जी का अभी मैं सबसे मिल के आया हूँ, वही प्यार, वही अफेक्शन, वही बात है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं इलेक्शन ऐसे कैंडिडेट के खिलाफ लड़ रहा हूँ जिसकी खराबी ही खराबी है। आज आपको खराबियां नजर आ रही, 2014 में आपने कैंपेन भी किया था और चुनाव भी जितवाया था। उस समय खराबी वाला बंदा, अभी उसका पता नहीं था कि इसका ट्रस्ट इसने ब्रीच करना है। अब तो पता, खराबी वाला बंदा कौन था उस समय? जब इन्होंने, इनका पता नहीं था ना कि ये लोग हमारा कल ट्रस्ट ब्रीच करेंगे। ये वाला, आप कांग्रेस से निकले थे ना, किसी के कारण तो निकले होंगे ना कांग्रेस से? कांग्रेस में तो मैं ही में निकला। निकले क्यों? निकला, जो मेरे से कमिटमेंट थी वो नहीं कर पाए, हमने छोड़ दिया। अच्छा, तो जिसके लिए कैंपेन की अब उसके विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं 10 साल के बाद? किसके लिए कैंपेन की? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के लिए। तो उसके खिलाफ भी इलेक्शन लड़ा ना मैंने, पिछला ही लड़ा, पिछला डोगरा हारा नहीं मैं, लड़ा ना बिल्कुल। अब मैं जीतने के लिए लड़ रहा हूँ ना, पिछली बार तो मैं पार्टी खड़ी की थी, बड़ी मुश्किल से था। अब तो एक एक दो गहरा होते हैं, अब गहरा हो गया सारा काम। वो कह रहे हैं कि 20,000 से शुरुआत करनी है आपने, लेकिन पिछले चुनाव में विक्रमादित्य को लगभग 3.5 लाख वोट मिला था, मिल गया ना। तो शुरुआत तो कहाँ से है? हमारी शुरुआत तो है ही लाखों से है, कठुआ खोलेगा उधर मरेगा, डोडा खोलेगा उधर मरेगा। डॉक्टर मनोहर लाल आपके साथ आ गए, गुलाम नबी आजाद की पार्टी में गए थे, वो जबरदस्ती उनको अपने घर भी लाए, राजदेव सिंह वो आपके साथ हैं बिल्कुल, 101% कंधे से कंधा मिला के उधमपुर में लड़ाई लड़ी, बिल्कुल 101%। अच्छा, बीजेपी कार्यकर्ताओं का भी कुछ समर्थन आ रहा है? बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। कुछ खास लोगों का? बहुत अच्छे लोगों का भी। जब आपको मैंडेट मिला, मुझे सुनने में आया है, पता नहीं सही है गलत है, कह रहे कुछ बीजेपी के बड़े नेताओं ने भी आपको फोन करके मुबारक, खुशियां मनाई, नहीं मुबारकबाद दी फोन पे? हाँ, बहुत ही अच्छा, बड़े अच्छे लोग हैं और उन्होंने ये कहा कि हम पूरी मदद भी करेंगे। उन्हें कहा मदद करेंगे, सच कह रहा हूँ मैं। और आप आश्वस्त हैं? अच्छा, कितने वोट से आप ये सीट जीतेंगे? मैं कहता हूँ कि 8वें गिनती हो, 8.5 हार के चला जाएंगे।